यहाँ उपस्थित डायरेक्टर एनसीईआरटी सेनापति जी, डॉक्टर नागेंद्र चांसलर एस वैश्वा यूनिवर्सिटी बेंगलोर, एचआरटी के अधिकारी मनीष गर्ग जी, प्रोफेसर सरोज यादव जी, जूरी के सभी सम्मानित सदस्यगण, देवियों सज्जनों, दूसरे अधिकारीगण और देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए प्यारे बच्चों, जिस हॉल में इतनी बड़ी संख्या में बच्चों की उपस्थिति हो और उसके बीच भाषण देना, मैं समझता हूँ योग से कम साधना की बात यह भी नहीं है। जब डॉक्टर नागेंद्र बोल रहे थे उसी समय मैं इस बात को महसूस कर रहा था, यह भी एक बड़ी साधना है। वाकई जिस उम्र से अभी गुजर रहे बच्चे हैं, यहाँ उपस्थित हैं, उनके लिए उनके जीवन का सबसे बड़ा मस्ती भरा क्षण है यह। यूँ तो अपने ड्यूटी में भी अव्वल हैं बच्चे जो यहाँ उपस्थित हैं, अपने कर्तव्यों में, अपने दायित्वों में भी अव्वल हैं, आगे हैं। तो एक तरफ अपनी ड्यूटी में भी इतने आगे अव्वल और दूसरी ओर दुनिया की तमाम चिंताओं से मुक्त, तनाव मुक्त ऐसा जीवन इनका सदा बना रहे, यही हम लोगों की कामना है। और मैं समझता हूं कि योग का भी यही मकसद है। हम पूर्ण स्वस्थ रहने की कामना रखते हैं, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का कि आज के भागदौड़ भरा जीवन में आचरण व्यवहार ठीक उसके विपरीत करते हैं। पूर्ण स्वस्थ रहने की शर्त होती है तन और मन से स्वस्थ रहना। तन हमारा तभी स्वस्थ रहेगा जब हम इसकी क्रियाशीलता को बनाए रखेंगे, एक्टिविटी को बनाए रखेंगे, और मन तभी स्वस्थ रहेगा जब इसको अधिक से अधिक शांत रखेंगे। तन की सक्रियता और मन की शांति दोनों का संतुलन होता है तभी हम पूर्ण स्वस्थ रह पाते हैं। और इन दोनों के बीच संतुलन बनाने की विद्या का नाम ही योग है। इन बच्चों के अंदर योग की आदत बचपन से आ पाए, इस दृष्टि से ओलंपियाड का आयोजन अपने आप में बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। और इस कार्य के लिए एनसीईआरटी का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आपने बहुत ही अच्छा आयोजन किया है, देश भर के बच्चों को एक मौका दिया, एक अवसर दिया, एक मंच दिया। इनके अंदर बचपन से अभी से प्रतियोगिता की भावना का विकास होगा, योग के प्रति इनका लगाव, आकर्षण अभी इस उम्र में इनके अंदर जो नींव पड़ेगी आजीवन, उसका असर रहेगा, रहना भी चाहिए। तो इस दृष्टि से आपका जो आयोजन है एनसीईआरटी के द्वारा आयोजन, मैं एनसीईआरटी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जिन बच्चों ने प्रतियोगी के रूप में इसमें भाग लिया, उनमें से कुछ बच्चे यहाँ तक चुन कर आए, जिनको मेडल भी यहाँ से दिए गए, मैं उन तमाम बच्चों को बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ। और उन बच्चों से इस बात का आग्रह भी करता हूँ कि आप सब लोग योग को एक समारोह के रूप में, एक आयोजन के रूप में, आज की प्रतियोगिता के रूप में ना लें, बल्कि आगे आने वाले जीवन में अपनी आदत में, दिनचर्या में इसको शुमार करें।
जो बच्चा योग करेगा स्वाभाविक रूप से उसका मन स्थिर होगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और जिसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा उसके अंदर अच्छे विचार आएंगे, सकारात्मक विचार आएंगे। सकारात्मक विचार, अच्छे विचार जिसके अंदर आएंगे, कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो कॉन्फिडेंस भी अपने ऊपर बढ़ेगा। और किसी भी क्षेत्र में सफलता की कई शर्तों में से अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, जिस काम को हम कर रहे हैं उस काम के प्रति कंसंट्रेशन, यह बहुत बड़ी शर्तें हुआ करती है। और जिसने अपने जीवन में ऐसे गुण प्राप्त कर लिए, दुनिया की कोई ताकत किसी भी काम में सफलता की सीढ़ी तक पहुंचने में उसको नहीं रोक पाएगी। तो आपके जीवन की सफलता के लिए आवश्यक है कि आप इस विद्या को अपने दिनचर्या का पार्ट बनाएं। योग एक समय था जब किताबों की बात समझी जाती थी, साधु संतों की बात समझी जाती थी, आम लोग योग से जुड़ पाए इस बात की सोच ही हमारे अंदर नहीं आती थी। इधर हाल के वर्षों में जो कोशिशें हुई हैं, जिन कोशिशों का परिणाम है कि आज हर बच्चा, हर नागरिक योग से कुछ न कुछ परिचित हुआ है या होता जा रहा है, और न सिर्फ अपने देश में, अपने देश का तो बहुत बड़ा योगदान है दुनिया के प्रति, योग दुनिया को हिंदुस्तान ने दिया है, तो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा योगदान है। धीरे धीरे अब दुनिया के लगभग सभी देशों में योग के महत्व को समझा जाने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को स्वीकार किया गया, दुनिया के लोगों ने स्वीकार किया, और इस काम में हमारे प्रधानमंत्री की बहुत बड़ी भूमिका रही है। उनके प्रयासों का परिणाम है कि दुनिया ने स्वीकार किया, 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाएंगे। इस काम के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का भी इस मंच से बहुत बहुत उनके प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ। बहुत सारे प्रयास हुए जिसने योग को इस मुकाम तक पहुँचाने का काम किया, और उनमें से एक यहाँ डॉक्टर नगेंद्र जी भी उपस्थित हैं, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। इनके यूनिवर्सिटी में एक सप्ताह तक, साल डेढ़ साल पहले मैं बिता कर आया हूँ, एक सप्ताह तक। क्या लोगों की सेवा है इनके यहाँ, उसकी मैं प्रशंसा करूँ तो शब्द में काम नहीं चलेगा। जो जानना चाहते हैं इनके यहाँ क्या गुण है, क्या इनकी सेवाएँ हैं, उनको एक बार जरूर इनके विश्वविद्यालय की यात्रा करनी चाहिए। बहुत अच्छा योगदान इनका है, और बहुत सारे लोग दुनिया, देश भर में, अपने देश में और बाहर भी इस काम में लगे हुए हैं। धीरे धीरे योग की लोकप्रियता बढ़ते जा रही है। हम इस अवसर पे, जैसा कि मैंने निवेदन किया बच्चों से, बाकी सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि सब लोग योग को अपनाएँ। योग के बारे में कहा ही गया है, योग अपनाइए, रोग भगाइए। रोग सिर्फ भगाने का मतलब यह नहीं कि हम आज किसी बीमारी से ग्रसित हो गए तो हम स्वस्थ हो जाएं। योग तो ऐसी विद्या है कि रोग हम तक फटकने ही ना पाए, रोग की उत्पत्ति ना हो, तो ऐसी विद्या है। इस विद्या को हम सब लोगों को अंगीकार करना चाहिए, यही निवेदन है आप सब लोगों से। अंत में इन बच्चों के प्रति मेरी ढेर सारी शुभकामनाएँ। बच्चे जब यहाँ तक इस प्रतियोगिता में आप पहुँच पाए हैं, इस योग की साधना में आप लगे रहिए, तो बाकी क्षेत्रों में भी आप इसी तरह से प्रतियोगिता में आगे बढ़ते रहिएगा, यह मेरी कामना है, शुभकामना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का और विशेष रूप से NCERT का मैं धन्यवाद करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।